दोस्तों आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि संगत से रंगत। अगर आप 5 ऐसे दोस्तों में रहते हैं जो शराब पीते हैं तो छठे आप होंगे। आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जो आप अपनी लाइफ में करके देख सकते हैं और आपने ये बात कभी ना कभी महसूस जरूर की होगी। नंबर 1, अगर आप किसी साधु महात्मा संत के पास 30 मिनट से 1 घंटे तक बैठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि सब कुछ दान कर देना चाहिए और अपने जीवन में संन्यास ले लेना चाहिए। नंबर 2, अगर आप आधे घंटे किसी राजनेता के पास बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये सारी की सारी पढ़ाई लिखाई मेहनत सब बेकार है। नंबर 3, अगर आप किसी जीवन बीमा एजेंट के पास सिर्फ 30 मिनट बैठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जीने से अच्छा तो मर जाना है, क्योंकि मरने के बाद इतना पैसा जो मिलता है। नंबर 4, अगर आप 30 मिनट से 45 मिनट किसी बिजनेसमैन इंसान के पास बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई तो कुछ भी नहीं है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी इनकम के और रास्ते खोजने चाहिए, आपको एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि आपको अलग अलग तरह की इनकम के सोर्स ढूंढने चाहिए। नंबर 5, अगर आप किसी इंसान के पास या किसी मजदूर के पास बैठते हैं, उसकी 30 से 45 मिनट के लिए बातें सुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि अभी आप लाइफ में हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, आपको सक्सेस होने के लिए और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 6, अगर आप किसी फौजी के पास, किसी आर्मी मैन के पास या किसी पुलिस वाले के पास बैठते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी नौकरी और आपका त्याग बहुत ही तुच्छ है, अभी आपने देश के लिए वो नहीं किया है जो आपको करना चाहिए, आपको प्राउड फील होगा कि आप एक इंडियन है। और कोशिश करें आप अपने पूरे दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ें, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि आप अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, आप लाइफ में सब कुछ सक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।